नमस्कार मित्रों, अनेक मर्तबा कई लोगों को भारतीय न्यायिक व्यवस्था को समझ में नहीं आता है कि कौन सी कोर्ट में मामला चल रहा है, कौन सी कोर्ट में अपील होगी और किस प्रकार न्यायालय काम करती है, न्यायालय की फंक्शनिंग कैसे होती है, कौन सी अधीनस्थ कोर्ट है, कौन सी लोअर कोर्ट है, कौन सी हायर कोर्ट है, कौन सी हाई कोर्ट है और कौन सी सुप्रीम कोर्ट है। आज इन सभी क्वेश्चंस को करने के लिए आज हम न्याय भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है उसकी एक जो चार्ट है उस चार्ट के माध्यम से हम समझेंगे कि कौन कौन सी अदालतें होती है और कौन सी अदालतें किस अदालत के नीचे होती है और कौन सी अदालतें ऊपर होती है जहां पर अपील हो सकती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, ऊपर से नीचे चलेंगे। हमारी भारतीय न्यायिक व्यवस्था जो होती है वो पूरी सेपरेट है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में विधायिका और कार्यपालिका का किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं रखा गया है। ऐसा इसीलिए रखा गया है ताकि हमारी जो कोर्ट होगी वो क्या होगी, स्वतंत्र और निष्पक्ष होगी। तो हमारे देश में इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शल जुडिशरी की स्थापना की गई है और ये पूरी रेगुलेट होती है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट जो है हमारी न्यायपालिका का अपेक्स बिंदु है। अपेक्स बिंदु को हम ये कह सकते हैं सर्वोच्च बिंदु है, इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय का नाम उच्चतम न्यायालय भी है और इसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे भारतीय न्यायिक व्यवस्था, और जिसका सबसे बड़ा बिंदु जो अपेक्स पोजिशन पर जो है वो है सुप्रीम कोर्ट। यदि हम भारतीय कोर्ट को देखें तो एक ट्राइंगुलर दिखता है। इस ट्राइंगुलर में ये जो अपेक्स पोजीशन है, इस अपेक्स पोजीशन पे सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट से ये सारे निर्णय फ्लो होंगे और सारी न्यायालय जितनी भी देश के अधीनस्थ न्यायालय हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट के अंडर में हमारे देश में हाई कोर्ट्स होती है, जितने भी राज्य हैं, वैसे तो 28 राज्य हैं लेकिन हाई कोर्ट्स 25, वर्तमान में 25 हाई कोर्ट काम कर रही हैं। कुछ राज्यों के लिए दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट भी काम कर रही है। तो इस प्रकार वर्तमान में 25 हाई कोर्ट्स हैं और हाई कोर्ट्स के अंडर में ये दो पार्ट को हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। हाई कोर्ट के अंडर में सबॉर्डिनेट कोर्ट भी आती है, सबॉर्डिनेट जिसे हम अधीनस्थ न्यायालय या लोअर कोर्ट कहते हैं, जिसे हम सभी लोग जिला न्यायालय भी कहते हैं। तो हाई कोर्ट्स के नीचे जिला न्यायालय और हाई कोर्ट्स के साथ एक स्पेशलाइज कोर्ट भी आती है, ट्राइब्यूनल। यानी आजकल आपने देखा होगा कोर्ट के अलावा कुछ ट्राइब्यूनल भी स्टैब्लिश की गई है जहां पर विवादों का निपटारा होता है। ट्राइब्यूनल को हम अधिकरण कह सकते हैं, फोरम कह सकते हैं, जहां पर भी मामलों को डिसाइड किया जा रहा है। ये स्पेशलाइज्ड मैटर होते हैं और इस स्पेशलाइज्ड मैटर के लिए भी अपील हाईकोर्ट में होती है, हाईकोर्ट के अंडर में होते हैं। तो सबसे पहले हम सबॉर्डिनेट कोर्ट की बात करते हैं, यानी अधीनस्थ न्यायालय की बात करते हैं। अधीनस्थ न्यायालय को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लोअर कोर्ट भी कहा जाता है। तो नॉर्मली आपने देखा होगा इसका नाम होता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, यानी जिला एवं सत्र न्यायालय। अब आप ध्यान रखिएगा, जिला वर्ड जो है ये सिविल मामलों के लिए यूज होता है और सत्र जो है ये क्रिमिनल मामलों के लिए यूज होता है। तो हम जिला और सत्र न्यायालय को हम दो भागों में फिर से डिवाइड कर देते हैं, एक है सिविल मामला और एक है क्रिमिनल मामला। यदि सिविल मामला यदि लोअर कोर्ट देख रही है तो सिविल मामला देखते समय जो हाईएस्ट लोअर कोर्ट में भी सबसे जो बड़ी कोर्ट होती है वो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसे हम जिला जज कहते हैं, डीजे। डीजे मतलब डिस्ट्रिक्ट जज, और जिला जज के ही रैंक के बराबर होते हैं एडीजे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। तो डीजे और एडीजे जो होते हैं ये सर्वोच्च बिंदु है, अधीनस्थ न्यायालय के सर्वोच्च बिंदु है और इसके अंडर में होते हैं सिविल जज क्लास वन एंड सिविल जज क्लास टू, जिसे हम हिंदी में कहेंगे व्यवहार न्यायाधीश वर्ग एक, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग दो। तो व्यवहार न्यायाधीश वर्ग दो सबसे छोटा कोर्ट हो गया, इसके ऊपर होता है सिविल जज क्लास वन और इसके ऊपर होता है डीजे और एडीजे। और यहां पर यदि मामला डिसाइड हो जाता है, कोई व्यक्ति अपील करना चाहेगा तो अपील कहाँ होगी, हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट के भी मामले से जो व्यक्ति असंतुष्ट है वो व्यक्ति अपील करेगा सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय फाइनल होंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के दिए गए आदेश की अपील कहीं पर भी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट इकलौता है जो अपने मामलों को उलट सकता है। यदि हम क्रिमिनल मामलों को देखें तो क्रिमिनल मामले में यही कोर्ट जो सिविल मामला सुन रहा था, जो डीजे कहला रहा है, वही अब सेशन जज कहलाएगा। सेशन जज यानी सेशन कोर्ट हो जाएगी, सेशन कोर्ट यानी सत्र न्यायाधीश, और ये दो प्रकार के हो गए, एक एडिशनल सेशन कोर्ट और एक सेशन कोर्ट। तो सेशन कोर्ट जो है प्रशासनिक प्रमुख है, इसके बाद इनको सत्र न्यायाधीश कहेंगे, इनसे नीचे है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसको हम मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कहेंगे, और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जो 7 वर्ष तक का कारावास दे सकते हैं, और इसके नीचे है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय श्रेणी। द्वितीय श्रेणी 1 साल तक की सजा दे सकता है और प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी 3 साल तक का कारावास सुना सकता है। तो इस प्रकार से मित्रों ये है सिविल और क्रिमिनल, दो प्रकार से डीजे यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दो प्रकार से क्लासिफिकेशन होता है। अब यह शहर यदि मेट्रोपॉलिटन शहर है, मतलब मेट्रोपॉलिटन का मतलब हो गया यदि महानगर शहर घोषित हुआ है, तो यहां पर नाम बदल जाएंगे, सिविल में तो वही रहेंगे, क्रिमिनल में
मेट्रोपॉलिटियन मजिस्ट्रेट कहलाएंगे और मेट्रोपॉलिटियन स्पेशल मेट्रोपॉलिटियन मजिस्ट्रेट वगैरह कहलाएंगे, चीफ मेट्रोपॉलिटियन मजिस्ट्रेट। तो ये है मित्रों डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज। यदि इसमें कोई आदेश आता है और जो व्यक्ति असंतुष्ट है तो उसकी अपील हाईकोर्ट में होगी और हाईकोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में होगी। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कुछ स्पेशल कोर्ट्स के एस्टेब्लिशमेंट भी हुआ है, कुछ स्पेशल कोर्ट में, जैसे फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट को हम कुटुंब न्यायालय भी कहते हैं या परिवार न्यायालय भी कहते हैं। तो परिवार न्यायालय और कुटुंब न्यायालय जो भी आदेश सुनाता है इसकी सीधे अपील कहां होगी, हाईकोर्ट्स में होगी। यानी ये इक्विवेलेंट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बराबर माना जाता है। तो फैमिली कोर्ट्स, देन कैट आप लोगों ने सुना होगा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जिसे हम प्रशासनिक अधिकरण कहते हैं। प्रशासनिक अधिकरण मतलब जितने भी प्रशासनिक अफसर हैं उनके जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो कैट में चलते हैं, जिसको हम ट्राइब्यूनल बोलते हैं। और ट्राइब्यूनल के मामले भी हाईकोर्ट में ही, इसकी भी अपीलें होंगी। एमएससीटी के केस आप लोगों ने सुने होंगे, एमएससीटी यानी मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल। ये जो मोटर एक्सीडेंट से होने वाले जो क्लेम्स हैं, क्लेम केसेस जो होते हैं, ये भी इन ट्राइब्यूनल्स की अपीलें भी हाईकोर्ट में ही होगी। एनजीटी आप लोगों ने सुना ही होगा, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी हरित न्यायाधिकरण, ये पर्यावरण के लिए एक कोड बनाई गई है, इसकी भी अपील कहां होगी, हाईकोर्ट और देन सुप्रीम कोर्ट होती है। इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल, आयकर के जितने भी मामले होते हैं आयकर के ट्राइब्यूनल के जो केसेस हैं, कंज्यूमर फोरम के केसेस हैं, साइबर ट्राइब्यूनल के मामले हैं। तो ये जो ट्राइब्यूनल्स बनाई गई है, इन ट्राइब्यूनल्स, ये सारी ट्राइब्यूनल्स भी हाईकोर्ट के अंडर में होती है और इसका नाम होता है स्पेशलाइज्ड कोर्ट या ट्राइब्यूनल। तो इनकी अपीलें होंगी हाईकोर्ट्स में और हाईकोर्ट्स के बाद वापस अपील कहां होगी, सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय फाइनल होंगे। तो ये है मित्रों कोर्ट की हायरार्की, इन्हें भारतीय न्यायिक व्यवस्था में किस प्रकार से कोर्ट का सेटअप किया गया है आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने समझा। सुप्रीम कोर्ट के अंडर में हाईकोर्ट, वर्तमान में 25 हाईकोर्ट काम कर रही है और हाईकोर्ट के अंडर में दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। हाईकोर्ट के अंडर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और दूसरी स्पेशलाइज ट्राइब्यूनल आते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हम लोगों ने फिर दो भागों में बांट दिया, सिविल एंड क्रिमिनल। सिविल में डीजे या एडीजे कहेंगे, डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, और इधर क्रिमिनल में इसको सेशन कोर्ट कहेंगे। और डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे अगर सिविल मामलों में देखें तो सिविल जज क्लास वन, सिविल जज क्लास टू, और इधर हो जाते हैं सीजेएम, एसीजेएम एंड जेएमएफसी एंड जेएमएससी। और यदि यही मामले ट्राइब्यूनल्स में देखें तो विभिन्न प्रकार के ट्राइब्यूनल्स हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।